सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टर्निंग सेंटर के अंदर सीमेंस सिस्टम में जब अपना टरेट डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको पैरामीटर के द्वारा कैसे सेट करें, उसी को पर वीडियो बना रहा हूं आपको। तो टरेट सेटिंग बाय पैरामीटर, ठीक है। टरेट की सेटिंग करनी है पैरामीटर के द्वारा। जब थोड़ा बहुत अगर अपना शिफ्ट होता है तो अपन उसको खोल के आगे से खोल के बोल्ट लूज करके अपन थोड़ा वो सेट कर देते हैं, लेकिन जब अपना बहुत ज्यादा टरेट सेट डिस्टर्ब हो जाता है तो उस केस में क्या करें, तो आपको उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो मेंटेनेंस वालों के लिए भी अच्छा है, ऑपरेटर के लिए भी है और प्रोग्रामर के लिए तो है ही, क्योंकि मेंटेनेंस वाले बाहर से बहुत कम बुलाते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले सीमेंस सिस्टम में क्या करना है आपको, ऑल्ट स्टेप बता देता हूं आपको। स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट प्लस एन, ठीक है। ऑल्ट प्लस एन दबाने पर अपना क्या खुलेगा, एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में आपको सबसे पहले पीएलसी आना है, पीएलसी दिखेगी, पीएलसी का की को दबाना है और पीएलसी की के बाद पीएलसी स्टेटस देखना है, पीएलसी स्टेटस, ठीक है। पीएलसी स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले ऑल्ट एन दबाना है, ऑल्ट प्लस एन दोनों को एक साथ दबाना है, फिर अपने विंडो खोलेगी। पीएलसी सेटिंग में जाना, स्टेटस में जाना अपन को। पीएलसी स्टेटस अगर आपका ऑल्ट एन के बाद पासवर्ड भी अपन को सेट करना है तो पासवर्ड सेट कर लेते हैं, पासवर्ड सेटिंग, सेट पासवर्ड। तो सेट पासवर्ड पे क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सनराइज। तो सीमेंस सिस्टम में 99.99% पासवर्ड जो होता है सनराइज ही होता है। तो सनराइज पासवर्ड डाल के अपन पीएलसी क्लिक करेंगे, पीएलसी स्टेटस को क्लिक करेंगे और पीएलसी स्टेटस को क्लिक करने के बाद अपन को ये किस लिए कर रहे हैं, अपन टरेट को डीक्लेम करने के लिए, ठीक है। टरेट को डीक्लेम करना पहले पैरामीटर के थ्रू, तो उसके लिए आपको पीएलसी स्टेटस खोलने के बाद आपको दो चीज दिखाई देंगे, V14 4060, इसके बाद 0.2 और V14 1234 60.3, ठीक है। तो यहां आपको दो चीजें दिखाई देगी, ये है, यहां पर आएगा आपका 1 और यहां पे 0 दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अब इसको अपन को डीक्लेम करना, अभी क्लेम पोजीशन में है, तो डीक्लेम करने के लिए सबसे पहले अपन को इंटरचेंज करना है, साइड में जो स्ट्रिप है उस पे चेंज दिखाएगा, चेंज का ऑप्शन, ठीक है। चेंज के ऑप्शन दबाने के बाद यहां पे 1 को 0 कर देना है और 0 को 1 कर देना है, दो काम करना है आपको, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद ये डीक्लैम्प हो जाएगा और डीक्लैम्प करने के लिए अपन को इमरजेंसी प्रेस करते ही आपका ट्रेड हाथ से भी घूमने लग जाएगा, या छोटा सा कोई रोड के सहायता से उसको घुमा के, और जो इस पे निशान होते हैं टरेट के ऊपर दोस्तों, दो टरेट पे निशान होते हैं टरेट के पीछे की साइड में, वो आपको बता देता हूँ, दो लाइन होती है, एक तो टरेट डिस्क के ऊपर होती है, एक टरेट की पीछे वाले डिस्क के ऊपर। तो जब एक नंबर टूल का आपका पोजिशन होगा तो ये दोनों लाइन आपकी मैच करनी चाहिए, वही इसकी होम पोजिशन होगी। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए आप फोर्स की सहायता से टरेट को घुमा सकते हैं, घुमाने के बाद ये लाइन मैच हो जाए तो वहां छोड़ दो। छोड़ने के बाद अब अपना ये क्लैंप हो गया, सॉरी डीक्लैंप पोजीशन में। तो क्लैंप करने के लिए क्या करेंगे, फिर अपन को टरेट
ट्रेड को क्लेम करना है। ट्रेड को क्लेम करने के लिए दोस्तों फिर बताता हूं आपको, ये जो वैल्यू थी दोनों, ये वन और जीरो, इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर देना है। सॉरी जीरो और वन आ गया था, जीरो और वन को इनको इंटरचेंज कर देता तो यहां वन और जीरो हो जाएगा, वी 0.2 में और वी 0.3 में। तो ये इंटरचेंज करके अपना ट्रेड फिर क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड क्लेम तो हो गया और अपने लाइन भी मैच कर गए, अब अपन को ट्रेड को रेफरेंस करना है, ठीक है। तो ट्रेड को रेफरेंस करने के लिए एक पैरामीटर है दोस्तों, पैरामीटर नंबर है 34210, पैरामीटर नंबर है 34210, और इसकी जो ए एक्सिस है उसी में चलना है, एक्स जेड इनमें नहीं करना, ए एक्सिस में सेलेक्ट हो जाएगा आपका प्लस डायरेक्शन, प्लस प्लस करके आएगा तो ए सेलेक्ट कर लेना। ए सेलेक्ट पे जहां भी यहां पे एक नंबर डाला होगा, एक नंबर, ठीक है, इस एक नंबर को दो में चेंज कर देना है, इंटरचेंज करना है दो, दो करने के बाद अपना ट्रेड, दो करने के बाद जोग क्या करना है, जोग प्लस रेफरेंस, जोग रेफरेंस करके अपना ट्रेड रेफरेंस आ जाएगा और इस तरह के आपके पास निशान आ जाएंगे रेफरेंस के, ये वाले, ये वाला निशान ए एक्सिस पे आ जाएगा ट्रेड वाले का। तो ये अपना रेफरेंस होती है अपनी मशीन बिल्कुल एक्स और एक्स जेड और ए एक्सिस जो भी है, एक्स ए डाल रखा तो ए है, सी ए तो सी ए, तो इसमें ए एक्सिस आपकी रेफरेंस हो जाएगी। रेफरेंस होने के बाद आप इमरजेंसी लगा के मशीन को ऑन करो, फिर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायल लगा के पॉकेट के ऊपर डायल देख लो कि यहाँ डायल ये एक्स में चला के डाउन प्लस माइनस, ये जीरो जीरो अपनी पोजीशन होनी चाहिए डायल लगा के, तो अपना बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत एरर है तो आप हल्के से बोल्टों को खोल के भी लूज करके भी कर सकते हो, और अगर और ज्यादा आपको दिख रहा है, अगर लाइन आपकी दोनों मैच होगी तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपका 10-20-50 माइक्रोन का एरर है तो आप आगे से बोल्ट को लूज करके तो हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हो, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो पैरामीटर से अपन कैसे इसको ट्रेड को सीधा करते हैं वो मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत यूजफुल वीडियो है दोस्तों, और लड़कों को भी शेयर करें आप ताकि उनको भी पता लगे, जो मेंटेनेंस में कर रहे हैं वो भी, और जो ऑपरेटर या प्रोग्रामर है उन लोगों को भी शेयर करें ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।